कहिए। नेहा घर पे है? हाँ है, पर आप कौन? मेरा नाम दीपक है और नेहा के साथ ही उसके ऑफिस में काम करता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ ना बेटा। जी। बैठो, मैं नेहा को बुलाती हूँ। जी। नेहा बेटा, नेहा तुम्हें मिलने दीपक आया है, तुम बैठो मैं आती हूँ। इतनी जल्दी भूल गई या बोलने की एक्टिंग कर रही हो? बोलने की एक्टिंग? मैं सच में नहीं जानती कि तुम कौन हो। इसलिए बोलते हैं कि रोज बादाम भिगो के खाने चाहिए, याददाश्त के लिए अच्छे होते हैं। देखो बहुत हो गया मजा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? खुशी, तुम्हारे लिए तोहफा लेके आए। ये कैसा मजाक है? लड़कियों पर हमले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये सोशल नेटवर्क के आने से बहुत ज्यादा हो गया सर। लड़के लड़कियों को फंसाने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं बदमाश लोग। सर सर ये आपके लिए कुछ आया है। लगता है इनविटेशन है, शादी का इनविटेशन। बाहर तो नाम वाम नहीं लिखा है। अभिजीत कार्ड भी बढ़िया है। खुद ही देख लो अभिजीत। सत्यानाश, लड़की की जान को खतरा है सर। क्या हुआ, क्या लिखा है इसमें? अरे यार तुम खुद ही देख लो, मैं बोलने की हालत में नहीं हूं। ये कैसे कर सकते हैं? सर कोई रास्ता नहीं है सर? सर इस लड़की की जान बचाना हमारा कर्तव्य है सर। हाँ दया, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस बेचारी लड़की की जान बचानी पड़ेगी। किसको बचाना पड़ेगा? और ये माहौल कुछ खराब दिख रहा है सीआईडी ब्यूरो में। नहीं नहीं, लड्डू बटने चाहिए यहाँ पर। ऐसा इनविटेशन कार्ड भेजने के बाद तो यही होगा है ना? कौन सा कार्ड? खुद ही देख लीजिए। ओह ये मेरी शादी का कार्ड। तो इसको देख के इतना रोना क्यों? जलन हो रही है? नहीं नहीं, अरे डांस करने वाले, चलो भाई डांस करने लोगों सब लोग। सर शादी करने निकले। अरे शक्ल देखिए अपने आईने में, कुछ लगा हुआ है क्या? लगा तो कुछ नहीं, मगर लगने वाला है कलंक आपके चेहरे पर भी और हम सब सीआईडी वालों के चेहरे पर भी। शादी करने निकले हैं, दुनिया भर कार्ड बांटते घूम रहे हैं। अरे शादी धूमधाम से तो होनी चाहिए यार। हाँ हाँ धूमधाम से होनी चाहिए, मगर जवान लोगों की, आप जैसे लोगों की नहीं। दया मना है शादी करना? नहीं। सुन लिया? दया अपनी शादी के बारे में कह रहा है, आपके नहीं। अच्छा अभिजीत तुम बताओ मना है? नहीं सर, वो यहाँ सीआईडी में मना है सर। ये क्या कहा तुमने अभिषेक? मैं तो सर ये कह रहा था कि ये कहने की क्या जरूरत थी यहाँ पर? नहीं नहीं जरूरत है ही नहीं, मैं वही कह रहा था सीआईडी में शादी की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन ये कहने की क्या जरूरत थी अभिजीत? ड्यूटी फर्स्ट, घर संसार नहीं हमारे लिए। अरे और चित्रोले साहब के लिए तो ड्यूटी, ये लो ये भाग गया फिर से। इनके चक्कर में तो अपनी शादी होगी नहीं। हाँ यार हमारी शादी भी चित्रोले की उम्र में ही होने वाली है। क्या चित्रोले? क्या वो फोन सर? वो हेलो क्या
निर्मला जी, ये दीपक आपके यहाँ नेहा का नाम लेकर आया था ना, कोई तो वजह होगी। मेरी बेटी नेहा तो उन्हें नहीं जानती थी, इसे क्या वजह हो सकती है कि वो उसे मारने आया था? आप बिल्कुल घबराइए मत निर्मला जी, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। सिर्फ इतना बताइए, आपके सिर पर जब चोट आई तो उसके बाद क्या हुआ? माँ तुम ठीक हो? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। तो तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा है, भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। दीपक तो नेहा के हाथ से निकल गया, वो वापस आई रोने लगी, उसने मुझसे कहा कि माँ मैं यहाँ नहीं रह सकती। हाँ उसे पता था उसकी जान को खतरा है, और शायद इसीलिए वो अपने साथ साथ तुम्हारी जान को भी खतरे में नहीं डालना चाहती थी। पर एक बात तो पक्की है कि दीपक और नेहा एक दूसरे को जानते थे। दीपक ने यहाँ आते वक्त कहा था ना कि वो नेहा के ऑफिस से आ रहा है, कॉल सेंटर से। हाँ सर। चित्रोले, चित्रोले यहाँ क्या कर रहा है? Excuse me, ये आदमी आप क्या काम करता है? नहीं ये तो यहाँ काम नहीं करता। आप लोग? हम लोग सीआईडी से। जी सर बताइए। हम नेहा के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। वो तो आई नहीं आज। नेहा आई नहीं? चलो कोई बात नहीं, जरा बताइए क्या नेहा की यहाँ पर किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह थी, कोई झगड़ा वगड़ा? नहीं, हाँ वो कुछ दिनों पहले वरुण से जोर जोर से बात कर रही थी, पूरे ऑफिस ने सुनी थी। वरुण? हाँ। जरा बुलाइए वरुण को। जी वो भी नहीं आया आज। वरुण भी नहीं है? कमाल है सर, वरुण भी गए। चित्रोले का फोटो दिखाओ। क्या ये आदमी आए? अरे ये तो आजकल लगातार यहाँ पर आते हैं। मतलब क्या काम करते हैं ये यहाँ पर? अरे नहीं सर, उनकी यहाँ पर एक लड़की से दोस्ती है, उसका नाम सू है। सू? हाँ एक मिनट। अरे सू एक यस सर, यही है वो लड़की। क्या डीसीपी चित्रोले तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आते? हाँ क्यों? हम लोग सीआईडी से। ओ तो यही सवाल आप अपने पास चित्रोले से जाकर क्यों नहीं पूछते कि वो मुझसे मिलने क्यों आते हैं? चित्रोले की जादू तो हर जगह फैली हुई है, तो वो सू से क्यों मिल रहे हैं? आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? बहुत देर लगा दी दरवाजा खोलने में, कुछ कर रहे थे क्या? जी वो मैं नहा रहा था। ठीक से नहाते भी नहीं हो आप, देखिए ये हाथ पे ये मिट्टी लगी हुई, और ये लड़की का बाल। ये तो मेरा ही बाल है। तुम्हारे बाल है? काफी लंबे बाल है, कमाल है। हमारे शक्ल पे कुछ लिखा हुआ है क्या? हमसे झूठ मत बोलना समझा? मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैंने कोई जुर्म थोड़ी किया। किसी बात कर रहे हैं आप? हम जुर्म के बारे में कहां बोल रहे हैं, हम में से किसी ने जुर्म के बारे में तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। देखिए तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं आप? हम नेहा के बारे में पूछताछ करने आए। तुम उससे प्यार करते थे ना? करता था, लेकिन कुछ दिनों पहले हमारा ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप क्यों हुआ तुम्हारा? हमारे आपसे मुद्दे पर जमती नहीं थी, इसीलिए दीपक को तुमने उसके घर भेजा उसे मारने के लिए। कौन दीपक? मैं किसी दीपक भी को नहीं जानता। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? ये दीपक। कौन है ये? मैं नहीं जानता इसे। अच्छा तुम्हारे हाथ पैर इतने कांप क्यों रहे हैं? अरे माथे पे ये इतना पसीना क्यों? क्या सर बहुत बड़ी गलती हो गई सर। कैसी गलती? सर मैं चाहता हूँ नेहा कहाँ है? कहाँ है सर? वहाँ। हाँ वहाँ कहाँ? सर यहाँ पे जमीन में।
मतलब तुमने नेहा को मार दिया? सर मैं कसम खाता हूँ मैंने उसको नहीं मारा सर। निखिल वंश इस जगह को खोदने का इंतजाम करो जल्दी। फावड़ा भाई क्या कैसा बेशरम आदमी है, इतना बड़ा जुर्म करने के बाद खोदने का सामान भी खुद ही देता। मैंने नेहा को नहीं मारा है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? सर पता नहीं, मैं तो घर से निकल रहा था, नेहा की लाश देखकर बहुत घबरा गया और उसे गाड़ दिया। दिमाग नाम की चीज है क्या ना तुम्हें? तुम्हें पता है ना लाश के साथ छेड़छाड़ करना या लाश को छुपाने की कोशिश करना अपराध है? पढ़े लिखे हो ना तुम? सर जानता हूँ अपराध है, लेकिन करता भी क्या? मेरे माँ बाप की जान खतरे में थी। माँ बाप की जान खतरे में मतलब? नेहा को ऑफिस में धमकी भरे फोन आया करते थे, एक बार तो मैंने भी बात करी तो उसने मुझे भी धमकी दी, और सर आज सुबह भी फोन आया कि अगर नेहा की लाश के बारे में मैंने किसी से भी कुछ भी कहा ना तो मेरे माँ बाप को मार देगा वो। क्या तुम्हें अंदाजा है कि वो फोन कॉल्स कौन करता था? पता नहीं, कभी तो कोई लड़का कॉल करता था और कभी लड़की। सर नेहा की लाश। पेट में चाकू घोप के मारा है सर। फिर तो जरूर ये दीपक का ही काम है, उसी ने नेहा पर चाकू से हमला किया था। नेहा के साथ कोई चाकू भी था? सर चाकू तो नहीं था सर। अच्छा ये बताओ कि जब ये फोन कॉल्स आए थे तुम्हें धमकी वाले, तो वो तुम्हारे मोबाइल फोन पे आए थे या लैंडलाइन पे? लैंडलाइन पे। कितने बजे आए थे? तकरीबन सुबह 11 बजे के आसपास। सुबह 11 बजे। निखिल काम करो, इनके लैंडलाइन पे सुबह 11 बजे कहां से कॉल आया था ये पता करो, और देखो नंबर किसका है। देखो वरुण तुम्हारी आंखों से गायब नहीं होना चाहिए, 24 घंटे उस पर निगरानी रखो समझे। हाँ हाँ मुझे मालूम है उसने कुछ भी नहीं किया, फिर भी क्या पता कुछ और निकल आएगा तो। ये देखा ये नंबर दोनों लिस्ट में है, मतलब वरुण सच बोल रहा था। उन लोगों ने पहले नेहा को फोन से धमकी दिया और फिर वरुण को भी धमकी दिया। हाँ हाँ ओके, ये नंबर दोनों लिस्ट में। हाँ सर दोनों को धमकी दी है। ये 1711510। निखिल पता लगाओ ये नंबर कहाँ का है। सो बहुत टेंशन है यार, बहुत टेंशन, बहुत टेंशन है। याद है वो जैसे जैसे शादी का दिन पास आता जा रहा है यार, टेंशन बढ़ती जा रही है। अच्छा हुआ तुम लोगों की शादी नहीं हुई, बच गए तुम लोग। अरे सर आपकी एक शादी हो जाए बहुत है। मैं क्या पहनू ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सर यहाँ पर काम बहुत काम है सर। अरे शादी हर रोज थोड़ी होती है, एक ही बार होती है ज्यादातर। चलो जरा अंदर आओ। आप ये कब पे पहनने वाले शादी में? हाँ माय गॉड, मगर कौन सा पहनू ना बस उसी में कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा क्या क्या देखूं, ये देखूं क्या देखूं। सर मैं बताऊं क्या? हम बता। सर ये वाला तू रेडी, सस्ता आदमी है और सस्ता वाला माल ही ढूंढा तूने। सिर्फ 5 लाख का है। 5 लाख? मुझे ना मुझे एक बहुत अच्छा लग रहा है, मगर समझ में नहीं आ रहा हाँ बोलो कि ना बोलो उसको। ये बहुत अच्छा लग रहा है। रविवन कैसा है बता जाए। सर प्लीज आप मुझे मत पूछिए, वैसे भी आपके शादी के शौक में से मैं अब तक बाहर नहीं निकला हूं। दे अभिजीत तुम बोलो। सर आप कुछ भी पहने लगोगे भाई। क्या दूल्हा सर? दूल्हा दूल्हा। कैसा? बहुत अच्छा है सर, आप यही पहनिए। गुड चॉइस। थैंक यू सर। 15 लाख का। 15 लाख? सर आपकी शादी को कोई स्पॉन्सर कर रहा है क्या? अभिजीत बहुत नटखट हो, बहुत नटखट। हेलो हेलो हाँ बोल। हाँ क्या हुआ प्रद्युमन? मुझे जरा जाना पड़ेगा। क्यों? बहुत जरूरी काम है। ठीक है हाँ बोलो।
ये देखा सर, ये रिस्टर्ड काफी महंगा है, टीसीपी साहब की पॉकेट में से गिरा है सर ये। सर हाँ, उस नंबर का पता चल गया है, अंधेरी के एक कॉफी शॉप का है, वरुण और नेहा को वहीं से धमकियां मिल रही हैं। अरे ये कहां से आ गए? एक्सक्यूज मी, हेलो 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 सर, सर हेलो। अरे अभिजीत, तुम लोग यहाँ कैसे? मगर आप यहाँ? सर आप ब्यूरो से निकले और सीधे यहाँ आ गए? एक बहुत बड़ा केस आ गया है, उसी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सर, लेकिन मेनू कार्ड लेके कहाँ जा रहे हैं? ये बड़ी गर्मी हो रही है यार। गर्मी तो है, बहुत गर्मी है। ये ऐसा कैसे होता है, जहां जहां मैं जाता हूँ वहीं तुम आ जाते हो। सर आपके सिर पर तो शादी का भूत सवार है, और हम यहाँ काम करने आए हैं। हम भी काम कर रहे हैं। सर मामला बहुत सीरियस है, खून का मामला है। ओ अभिजीत जाओ अंदर। सर एक मिनट, सर आप जानते हैं इस लड़की को? इसको छोड़ना नहीं आज। अरे यार बैटरी खत्म हो गई है। चार्जर तो नहीं है हमारे पास। अरे चार्जर कौन मांग रहा है, एक फोन करने का मेरे को। हाँ कर लीजिए, पर कॉल 5 रुपए। हाँ ठीक है 5 रुपए ले लेना यार। हेलो जी, हेलो, आप कौन हैं? आप मुझे नहीं जानते? आई, अरे जबरदस्ती गले पड़ रहे हो, हैं कौन आप? सर इस लड़की ने कॉल सेंटर में हमसे कहा कि अगर मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो तो अपने बॉस से पूछो, डीसीपी चित्रोले से। मरवा दिया लड़की ने, ऐसा कहा इसने? सर इसका नाम सु है। सु? चित्रोले साहब मुझे प्यार से सु बुलाते हैं। ओ, प्यार से सु बुलाते हैं? ये, हम मिले क्या कभी पहले? शादी से पहले ये हाल है, शादी के बाद तो आप मुझे पहचानेंगे ही नहीं। एक मिनट, सर आप इस लड़की से शादी कर रहे हैं? मगर सर आपकी वेडिंग इनविटेशन कार्ड पर तो सुनैना लिखा है। क्या सर आ मजाक? सुनैना सु, यही सुनैना है, इसी के साथ शादी हो रही है मेरी। मैं तो डर ही गई थी, मैं आपके लिए दुनिया से लड़ रही हूँ और आप ही मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन है ये। अरे मैं एसीपी प्रद्युमन के लिए मजाक कर रहा था, ऐसा चलता रहता है। तुम चलो चलो, देर हो रही है अभी, यहाँ से किसको सर निकल लो। चलो, मैं क्या कह रहा था कि एक, अरे पहले बहुत जरूरी काम है। डार्लिंग लेट्स गो। डार्लिंग लिपटी गया चित्रोले, डार्लिंग ये डार्लिंग का क्या चक्कर है? क्यों बे फ्रेडी? हाँ सर। नहीं नहीं तू गया आज? अरे मैंने क्या किया सर? क्या किया? अबे बहुत भारी पड़ेगा तुझे। सर मेरी बात सुनिए। जान ले लूंगा मैं तेरी, समझा? अरे तू तू उधर रुक, मैं आ रहा हूँ। उधर ही रुक, तू रुक उधर। अरे बाप रे, छोड़ना नहीं उसे आज। कुछ सुना तो नहीं तूने? नहीं मैंने कुछ नहीं सुना। हाँ फिर ठीक है। हाँ अभिजीत क्या कह रहा है? सर यहाँ पे आके धमकियां तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? लोग यहाँ से धमकियां दे रहे हैं और तूने कुछ सुना नहीं? आप लोग कौन? CID। बता क्या जानता है तू, कौन धमकी भरे फोन करता है यहाँ से? बता दे। नहीं सर एक लड़का और एक लड़की। ये वो लड़का? हाँ सर यही लड़का है। और लड़की? सर लड़की वो जो आप लोगों से बाहर बात कर रही थी। वो यहाँ बैठी? हाँ सर वही। सुने ना सर, डीसीपी साहब एक क्रिमिनल लड़की से शादी कर रहे हैं। वही तो समझ में नहीं आ रहा है,
अभिजीत सुनैना के घर का पता लगा। सुनैना सुनैना सर हमने आने में देर कर दी। गला घोट के मारा ऐसे है सर, शरीर पर कहीं भी चोट या जख्म का कोई निशान नहीं है। जरा देखो घर की तलाश लो, ससुराल मिलता है देखो। ये देखो ये टूटा हुआ नाखून मिला है, पर ये सुनैना का तो नहीं है। सर मतलब खूनी कोई लड़की है? हो सकता है, पर सर हमने आखिरी बार सुनैना को डीसीपी चित्रोले साहब के साथ देखा था। तो तुम कहना क्या चाहते हो कि नाखून उनका है? नहीं सर मेरा मतलब वो नहीं था। जैसा आप देख रहे हैं कि घर के खिड़की और दरवाजे पे किसी भी तरह की फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। हाँ ये बात तो है, खूनी जो कोई भी था वो सुनैना के करीबी कोई जान पहचान वाला ही था, इसलिए आसानी से घर के अंदर घुसा, फोन करके दबे पाव निकल गया यहाँ से। सर किसे फोन कर रहे हैं? डीसीपी चित्रोले को। कई सवाल है जिनके जवाब देने होने, वही बताएंगे सारा मजरा है क्या। इससे फोन काट दिए? सर जरूर कोई खास बात है जो डीसीपी चित्रोले हमसे छुपा रहे हैं। कहीं उन्हें ये लुका छुपी का खेल भारी ना पड़ जाए। निखिल डीसीपी चित्रोले का मोबाइल ट्रेस करो, पता करो उनका लोकेशन क्या है। सर चित्रोले साहब के फोन की लास्ट लोकेशन यही थी। पूरा लॉकर खाली कर दिया? वही तो, ऐसा था क्या इस लॉकर में जो पूरा का पूरा साफ कर दिया? देखिए सर इसमें लिखा हुआ है कि इस लॉकर के अंदर एंटीक ज्वेलरी थी और डीसीपी चित्रोले ने 2 साल पहले म्यूजियम की रेट पे जब्त किया था इसे। क्या आप भी वही सोच रहे जो मैं सोच रहा हूं? सचिन चाहे जो कुछ भी हो, चित्रोले चाहे कितना भी टेढ़ा हो, पर वो अपने फर्ज के साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा। ये सुनैना नाम की लड़की के बारे में तुमने कुछ सुना? सुनैना मैडम? हाँ सर वो तो बहुत अच्छी है और चित्रोले साहब उन्हें यहाँ कई बार लेके आए हैं। क्या चित्रोले साहब सुनैना को यहाँ लेकर आए? तुम्हें पता है यहाँ पर किसी भी सिविलियन को अलाउड नहीं है? पता तो है पर तो फिर तुमने अलाउ कैसे किया? सचिन पहले तो निया का केस था, अब तो सुनैना का भी खून हो गया। सुनैना, सुनैना के घर से हमें मिला एक टूटा हुआ नाखून, एक नेल आर्ट का नाखून, और चित्रोले साहब के पॉकेट में से गिरता है एक चुराया हुआ स्टैंड, वो स्टैंड जो एंटीक ज्वेलरी में से चुराया गया था इस लॉकर में से। चित्रोले साहब सुनैना से शादी करने वाले थे, ये सारा चक्कर कुछ और ही है। आइए मैम, नेल आर्ट कराना है आपको? नहीं हम सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, जरा ये नाखून देखिए, ये नेल आर्ट आप ही के स्पा में हुआ? हाँ इसी हफ्ते में 2-3 लड़कियों ने कराया था। अच्छा क्या उनमें से किसी लड़की ने आपको फोन किया था कि उसका नाखून टूट गया और वो उसे ठीक कराना चाहती है? आज सुबह एक देविका नाम की लड़की का कॉल आया था, आज वो आने वाली है। कितने बजे आने वाली है? 3 बजे आने वाली है, पर हुआ क्या है? अब क्या हुआ है वो तो पता चल ही जाएगा, 3 बजने में आधा घंटा बचा है। ठीक है हम लोग बाहर इंतजार करते हैं, अगर वो आ जाए तो हमें इशारा कर देना। जरूर। मुझे मेरा नेल ठीक करवाना है। हो जाएगा, बैठिए आप।
ये क्या बदतमीजी है? कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सुनैना का खून क्यों किया तुमने? I'm sorry, मैं किसी सुनैना को नहीं जानती। कोई बात नहीं, अब हमारे साथ ब्यूरो चलिए। मैंने कहा ना आप लोगों से, मैं घर में बर्तन धो रही थी। बर्तन धोते धोते नाखून गिर क्या कहीं? पहली बार किसी लड़की को देखा है कि इतना महंगा नेल आर्ट करवाने के बाद वो बर्तन धो रही थी। वैसे ये बताइए, जहाँ पे आप बर्तन धोती हैं, आपके किचन के सिंक का जो पाइप है वो सुनैना के घर में जाकर निकलता है क्या? नहीं नहीं, मतलब आप अपने घर में बर्तन धो रही थी और आपका नेल टूटा, तो वो 4 किलोमीटर दूर सुनैना के घर में कैसे पहुंचा? नाखून सुनैना के घर कैसे पहुंचा? मैंने सुनैना का खून नहीं किया, मैं बस उसे धमकी देने गई थी। किस लिए धमकी देने गई थी तुम? देखिए, आपको जो कुछ भी पूछना है ना, अपने बॉस से जाकर पूछिए। अब ये चित्रोले कहां से आ गया बीच में? उनके बारे में जरा तमीज से बात कीजिए। हाँ क्यों? क्योंकि उनसे मेरी सगाई हो चुकी है। सर 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 संभालिए सर। ये क्या कह रही है आप? उनकी शादी तो सुनैना से होने वाली थी ना। इसीलिए तुमने सुनैना को मारा है? जी नहीं, मैंने उसे नहीं मारा, मैं बस उसे चेतावनी देने गई थी कि वो हम दोनों की जिंदगी से दूर हो जाए। चित्रले साहब तो वाकई बहुत बड़े खिलाड़ी निकले सर। नाम मत लो चित्रले, घिन आती है मुझे। आने दीजिए उन्हें, मैं उन्हें कहूंगी कि तुम्हें नौकरी से हटा दे। अरे मैम नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दीजिए, गरीब आदमी हूँ। देखिए आप जा सकती हैं, प्लीज मैम। ठीक है। दया, इस चित्रोली की डार्लिंग पर नजर रखनी पड़ेगी। सर हाँ? सर चित्रोले साहब का फोन कहाँ पे है पता चल गया? कहाँ पर है सर? वो ये वही है दीपक। जयवंती देखो चित्रोली साहब हैं क्या अंदर? क्यों मारा नेहा को? सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया सर। झूठ बोल रहा है? नेहा के घर नहीं गया था उसे मारने के लिए? सर नेहा को मैंने नहीं मारा सर, गया था उसके घर, लेकिन सर मेरा पूरा प्लान फेल हो गया सर और मैं वहां से भाग निकला सर। सर मुझे नहीं पता सर नेहा के साथ क्या हुआ। तो फिर किसने मारा नेहा को? सर मैंने मुझे कुछ नहीं पता सर। सर मुझे सुपारी दी गई थी सर। किसने दी थी सुपारी? सर वो एक अजनबी कॉल आया था सर और मेरे घर के बाद 5 लाख रुपए पड़े मिले सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। फोन नंबर बता। सर प्राइवेट नंबर था सर, उसने बोला कि सर नेहा किसी चित्रोले नाम के आदमी के साथ शादी नहीं करना चाहती सर, तो इसलिए सर उसको ऊपर पहुंचाना है सर। क्या तुम सच बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ सर, सच बोल रहा हूँ, एकदम सच बोल रहा हूँ सर। तुझे चित्रोले ने सुपारी दी थी, उससे मिलने आया था अंदर? नहीं सर नहीं, मैं तो जानता भी नहीं कौन चित्रोले सर। वो सर वीरू को सर पार्सल देने के लिए गया था सर। कौन वीरू? और उस पार्सल में क्या था? सर मैंने कुछ खोल के नहीं देखा सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे छोड़ दो प्लीज सर। सर मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ चित्रोले साहब है अंदर? सर बार का मैनेजर बता रहा था कि वो चित्रोले सर। क्या? सर चित्रोले सर बाहर में लड़कियों के साथ डांस कर रहे। क्या? यस सर, और जब तक मैं वहां पहुंची वो वहां से निकल चुके थे। ये हो क्या गया चित्रोले साहब को? घर क्यों रहे हैं सब?
कौन है? देविका भी यहां से निकली है। ठीक, ओके। अभिजीत, जिन जिन लड़कियों के शादी होने वाली थी डीसीपी चित्रोले से, उन्हीं लड़कियों के खून क्यों हो रहे हैं? पहले नेहा और अब ये सुनैना। कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होगा दोनों के बीच में। सर, नेहा और सुनैना के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। क्या सर? इन दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड था। क्रिमिनल रिकॉर्ड? सर, नेहा ने 2009 में फ्रॉड किया था उसी कंपनी में जहां वो काम करती थी। और सुनैना? सर, सुनैना भोले भाले लड़कों के साथ शादी करके जेवर और पैसे लेके फरार हो जाती। आप समझ में आया, ये सुनैना टीसीपी चित्रोले के साथ शादी करने के लिए राजी क्यों हो गई? और ये देविका, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं सर, देविका बिल्कुल क्लीन है। ऐसा हो नहीं सकता है, कुछ ना कुछ खिचड़ी तो वो भी पका ही रही होगी। जब मेरा नाम मालूम है किसी भी चित्रोल रोमानी है क्या को समझा? ए, क्या किया इसने? करेगा क्या सर, धमकियां दे रहा है। धमकियां? और कह रहा था मेरा नाम डीसीपी चित्रोले है और एक को नहीं छोड़ूंगा। छोड़ेगा नहीं, चुन चुन के मारूंगा एक एक को। गरीब का फोड़ा तोड़ दिया। नहीं, तेरा खराब नहीं करना, शादी होने वाली है। शादी? शकल अपनी आईने में देखी है? अच्छी है? अरे कितना बेशरम आदमी है तू। मुझे तेरे पे बहुत तरस आता है। भगवान ने तेरे ऊपर बहुत अन्याय किया है। तूने मेरे को बोला? क्या बकवास कर रहा है तू? ये तेरा चेहरा बंदर जैसा क्यों बना है? सर गजब हो गया सर। क्या हुआ सर? जब मैं देविका का पीछा कर रहा था तो सर देविका ने अचानक कार रुकी, देखा तो सामने डीसीपी साहब खड़े थे। फिर? और सर डीसीपी साहब देविका के कार में बैठ के उसके साथ चले गए। देविका? अरे ये कहां लेके आ गया?
निकलो गाड़ी से। अरे ये अचानक गन, हाँ अभी तक तो प्यार से बात कर रहे थे। चित्रोले साहब, I'm really sorry। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मुझे आपको यहाँ लाना पड़ा। मुझे मालूम है। मालूम है? सीपी चित्रोले वो आने नहीं गया। और क्या, मार दिया सुनैना को तुम लोगों। अच्छा नहीं किया, बहुत अच्छे लड़के थे बेचारे। तूने उसको धोखा दिया था, वो तो जेवरात थे ना, तो सारे के सारे नकली थे। उसने मेरे से पूछा ही नहीं, अगर वो मेरे से पूछ लेती तो उसे पता चल जाता कि मैंने असली ज्वेलरी निकाल ली है और उसकी जगह पे नकली ज्वेलरी रख दी थी। डीसीपी चित्रोले, तेरे से ज्यादा चालाक आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। इसलिए तो मेरा नाम डीसीपी चित्रोले है। लगा लगा अपने आदमियों को फोन, नहीं तो मैं इसको गोली मार दूंगा। लगा छोड़ तुम मेरी बेटी को। देखो तुमने कहा था अगर मैं डीसीपी साहब को यहाँ ले आऊँ तो तुम मेरी बेटी को छोड़ दोगे। छोड़ दो मेरी बेटी को, मैं कहती हूँ छोड़ दो मेरी बेटी को। क्या कर दिया? लगा फोन, लगा नहीं तो एक और गोली चलाता हूँ मैं। रदुमन, मार दिया सबको। तो क्या करता, गोदी में उठा लेता? आप तो लेट गए वहां कोने में। अरे यार, सबके सामने बोलने की क्या जरूरत है? ए, बता क्या था हिसाब? हम लोगों ने 30 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लूटी थी, लेकिन ये चित्रोले ने रेड डालकर पकड़ ली, ले जाकर अपने नौकर में रख दी। मालूम है इन्होंने क्या किया? इन्होंने सुनैना को भेजा मेरे पास शादी करने के लिए। और शादी की बात सुनते ही तुम्हारा दिल उछलने लगा, लेट गए इनके पैरों में। क्या करें, मैंने असली ज्वेलरी पहले ही निकाल दी और उसकी जगह पे नकली ज्वेलरी रखी, और मेरे होने वाली बीवी वो नकली ज्वेलरी लेके चले गई। ओहो, तो होने वाली बीवी को भी सर आपने धोखा दिया? अरे इसीलिए तो इनका नाम चित्रोले है, डीसीपी चित्रोले। कभी विश्वास नहीं करना इस आदमी पर। चित्रोले सर, मेरी बेटी देविका, तुम्हारी बेटी ठीक ठाक है, हमारे ऑफिसर्स ने जाके उसे बचा लिया। जाओ वो घर पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, I'm really sorry, मैंने आपको किडनैप किया। ओ ठीक है ठीक है, जाओ। राजुमन,
तेरे को तो मैं बाद में समझूंगा। तुम लोगों के लिए मैंने अपनी इज्जत दांव पे लगा दी, मेरा नाम मिट्टी में मिल गया। केस सॉल्व किया तुम्हारे लिए, और तुम लोग कभी नहीं भूलूंगा ये बेइज्जती। अच्छा ठीक है, अब घर जाने के लिए कोई गाड़ी तो दो। विजय रिक्शा मंगाओ इनके लिए। है? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.